Today he says, my child, show no fear. आज वो कहता है मेरे बच्चे कदापि न डर. I don't want my child to have any sort of fear. मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डर हो. I'm so afraid, Lord, to face my exams. प्रभु जी अपनी परीक्षा को लेकर के मैं बहुत डरा हुआ हूँ. I don't have any wisdom. मुझ में कोई भी ज्ञान नहीं है. How can I write well? मैं कैसे अच्छे से परीक्षा लिख सकता हूँ? Lord, I'm not good looking. प्रभु जी मैं तो देखने में अच्छी नहीं. How can I show my face before people? मैं लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? I will hide in a corner. मैं तो कोने में छुप जाऊंगी. I'm not going to go out there. और मैं वहाँ बाहर नहीं निकलूंगी. I'm such a sickly person, Lord. प्रभु जी मैं तो इतना रोगी मनुष्य. What can I do to perform? मैं आपका कार्य करने के लिए क्या कर सकता हूँ या अपने काम कैसे कर This सकता is what we might be saying. हो सकता है कि हम यही कहते होंगे. But the Lord says, I don't want you to be afraid. लेकिन प्रभु कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम जो हो डरो. You are not someone with weaknesses. तुम कमजोरी वाले कोई जन नहीं. You are my child. तुम मेरी संतान हो. I'll give you my strength. मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा। I want you to go out and shine. मैं चाहता हूं कि तुम जाकर रोशन हो। Show no fear. और कदापि अपना डर ना दिखाओ। He's calling us out. Come out, my son. वो कह रहा है मेरे बेटे बाहर निकलो। Come out, my daughter. मेरी बेटी बाहर निकलो। It's time to come out and shine. ये समय है कि बाहर निकलो और चमको। So prepare your hearts today, okay? इसलिए आज अपने हृदय को तैयार करें। No more hiding. अब कोई भी छुपना नहीं. No more doubting yourself. अब अपने बारे में कोई शक नहीं करना है. Because it is not you who is going to go out to shine. क्योंकि ये आप नहीं जो कि चमकने जा रहे हैं. The Lord is going to be in you as a lion to roar. लेकिन परमेश्वर आपके अंदर होगा सिंह के समान की गर्जन. And people are only going to see him. और लोग जो है केवल और केवल उसे देखेंगे. He said to Joshua as in Joshua 1:7. उसने यहोशू से ऐसा ही कहा जैसा कि हम यहोशू 1:7 में पाते हैं. My son Joshua, मेरे बेटे यहोशू, be strong and very courageous. तू यावान और दृढ़ हो जा. Be careful to obey all the law my servant Moses gave. और मेरे दास मूसा ने जितनी भी आज्ञाएं तुझे दी हैं उन्हें मानने के लिए तू सतर्क रह. Do not turn from it to the left or to the right. और तुझसे न तो दाएं और न ही बाएं मुड़ना. Then you will be successful wherever you go. तब तू जहां कहीं भी जाए तो तू वहां पर निश्चय ही सफल होगा. Be strong and courageous, Joshua. यहोशू तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा. Be strong and courageous, Richard. रिचर्ड तुम हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ. Be strong and courageous, Priya. प्रिया तुम हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ. Be strong and courageous, Matthew. मैथ्यू हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ. He's telling you today. आज वो आपसे कह रहा है. Be strong in what I have called you to do. मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है उसके लिए साहस करो. Be careful to obey all that I have taught you. और जो सब मैंने तुम्हें सिखाया उसके आज्ञा पालन के लिए तुम सतर्क रहो. Yes, read my teachings again and keep it in your heart. हाँ मेरी शिक्षाओं को बार बार पढ़ो और उसे अपने हृदय में रखो. Don't ever turn from it. उससे कदापि भी इधर उधर ना होना. That is the secret on how you can be strong. और यही तो रहस्य है कि तुम कैसे मजबूत और सामर्थी हो सकते हैं. Listening to what God is telling you. परमेश्वर जो कहता है उसे सुनने के द्वारा. And that will be your strength. और वही जो है तुम्हारा बल होगा. That's why we read from the Bible. What are you telling me today, Lord? और इसलिए हम बाइबल से पढ़ते हैं कि प्रभु जी आज आप मुझे क्या कह रहे हैं. And as he speaks to you, और जब वो आपसे बात करे, oh, you will feel, yes, the Lord will accomplish what he has spoken today. तो आपको लगेगा कि हाँ परमेश्वर ने जो कहा है आज वो उपलब्ध होगा. I will be strong. और मैं निश्चय ही बलवंत हो जाऊंगा. I will not be shaken. मैं कदापि भी न थर थराऊंगा.
And as you carry that word in your heart, और जब आप उस वचन को अपने हृदय में लेकर चलेंगे, wherever you go, आप जहाँ भी जाएंगे, whatever you set out to do, आप चाहे जो भी करने के लिए तैयारी करें, that word will unlock the voice of God teaching you and leading you. वो वचन परमेश्वर की आवाज को आपके लिए खोलकर आपकी अगुवाई करेगा, protecting you to go only in the right way. और सही रास्ते में चलने में वो आपकी रक्षा करेगा. So when you're in class and somebody is torturing you or taunting you to be afraid, और आप क्लास में हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, ताकि आप जो है डर जाएं, God will remind that word to you. तो परमेश्वर वो वचन आपको स्मरण दिलाएगा. What did I speak to you this morning? आज सुबह मैंने तुमसे क्या कहा था? Didn't I tell you that I will be your helper? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ? You are not alone. तुम अकेले नहीं हो. Yes, that word will come to your mind. हाँ, ये वचन आपके ध्यान में आएगा. And you will feel so strong. और आपको लगेगा कि आप बहुत बलवंत हो गए हैं. So my friends, do not be afraid. इसलिए मेरे मित्रों, कदापि भी ना डरें. You're not going alone. आप अकेले नहीं जा रहे हैं. The Lord is coming with you. लेकिन प्रभु आपके साथ आ रहे हैं. As you hear His voice and do, जब आप उसके आवाज सुनकर करेंगे, you will be successful wherever you go. तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आप वहाँ सफल होंगे. That is the promise He's giving us today. यही वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर आज हमें दे रहे हैं. Young people show boldness in all the wrong places. जो जवान होते हैं हर एक गलत जगह में वो ज्यादा ही साहस दिखाते हैं. When the teacher is turning back to write on the blackboard, जब शिक्षक या शिक्षिका मुड़ते हैं कि ब्लैकबोर्ड पर लिखें, suddenly one boy will make a sound. अचानक ही एक लड़का जो है आवाज करेगा. That sound will come. और वो आवाज जो है आएगी. And the teacher will turn. Who made that sound? और टीचर मुड़ करके कहेंगे किसने ये आवाज की? Immediately he'll keep quiet. तत्काल ही वो चुप हो जाएगा. Then again, when she turns, that sound will come. और जब वो फिर से मुड़ेगी, वही आवाज आएगी. Trying to be so cool and showing off before all his friends. वो अपने मित्रों के सामने डींग मारने के लिए शो ऑफ करता है. When the teacher is shouting at us, और जब वो शिक्षक या शिक्षिका हम पर चिल्लाते रहते हैं, oh, we try to show our boldness and talk back to them. हम दिखाने के लिए कि साहसी हैं, उनसे वापस विवाद करते हैं. Showing all our friends that we are not afraid. हमारे मित्रों को जताते हैं कि हम डरते नहीं हैं. Even to our parents. यहाँ तक कि हमारे माता पिता को भी नहीं. Oh, young people take the bike and go make cuts this side and that side so wonderfully. और जवान जो हैं अपनी बाइक लेकर के जाते हैं इधर उधर कट मारते फिरते हैं. And they show off all their skills on the road. और अपना सारा कौशल वो रोड पर दिखाते हैं. These are the places where young people all show that they are bold. और इन सारी जगहों में जवान दिखाते हैं वो बड़े साहसी हैं. Oh, they hold up their exam results paper. और जब वो अपने रिजल्ट के पेपर परीक्षा के बाद हाथ में लेते हैं, so proud, oh, I got a zero, man. Oh, बड़ा घमंड करते हैं, oh, मुझे तो शून्य मिला यार. I am the topper in the class. मैं कक्षा का टॉपर हूँ. What is this? ये क्या है भाई? This is what we call boldness in this world. और इस संसार में हम इसी को ही साहस कहते हैं. We think we are so strong. हम सोचते हैं हम बहुत ही बलवान हैं. But when real troubles and problems of this world hit us, लेकिन जब इस संसार की वास्तविक परेशानियां तकलीफें हम आती हैं, we are not able to handle it. हम उसे संभाल भी नहीं पाते. Our weakness shows. और तब वही समय होता है जब हमारी कमजोरियां दिखने लगती हैं. And we tremble and fear. और तब हम जो है डरते और थरथराते हैं. And we give up on life so easily. और बहुत ही आसानी से हम जीवन की आशा छोड़ देते हैं. We are not able to handle even a little pressure of this world. हम इस संसार के थोड़े से दबाव को भी संभाल नहीं पाते हैं प्रियो. We go to the company and when our boss says something, immediately you want to throw off the job. जब हम कंपनी में जाते हैं, बॉस कुछ कहता है, तत्काल हम अपनी नौकरी छोड़ देना चाहते हैं. We are not able to handle any pressure. हम किसी भी प्रकार के दबाव को संभाल नहीं पाते हैं. We are not able to face any problem and stand strong. हम किसी भी समस्या का सामना करके वहाँ मजबूती के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं. We feel so afraid. हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है. When the real trouble comes. जब सच में परेशानियाँ आती हैं. That's when all our fake boldness becomes nothing. तभी वो हमारा सारा नकली साहस शून्य हो जाता है. It cannot help us. और वो हमारी सहायता नहीं कर सकता. But today, my friends. लेकिन आज के दिन मेरे प्रिय मित्रों.
You might be facing fearful situations in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में भय की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं. Making you hide and not come out. और उसके कारण से आप जो हैं छुप गए हैं और आप बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं. God says, no, it is time for you to come out and shine. और परमेश्वर कहता है यही समय है कि तुम बाहर निकलो और चमको. What kind of fears do we face? हम किस तरह के भय का सामने संसार में करते हैं? Yes, as we are talking, the fears due to our troubles in our life. हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन के संघर्षों का भय. Due to the lack in our life. हमारे जीवन में कमियों के कारण से डर. Thinking, can I make it beyond this? ये सोचते हुए कि क्या मैं इससे आगे बढ़ पाऊंगा. In Psalm 34:10 we read. भजन संहिता 34 के वचन 10 में हम पढ़ते हैं. The young lions suffer want and hunger. जवान सिंहों को घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं. They become so hungry because of the lack in their life. उनके जीवन की कमियों के कारण से वो बहुत ही ज्यादा भूखे हो जाते हैं. Yes, even we go through such losses in our life which make us lack. जीवन की हानियां हाँ हमें भी जरूरतमंद बना देती. Losing our father. हम अपने पिता को खो देते हैं. Losing that great support in our life. हमारे जीवन के उस महान सहायता को सहायक को खो देते. Losing the dear love of a mother. एक माँ के उस प्रेम को हम खो देते हैं. Crying, who will show me that love again? और रोते हैं कि कौन है जो मुझे वो प्रेम फिर से एक बार दिखाएगा. How can I continue with my life? मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? Or sicknesses might hit you. हो सकता है कि रोग आपके जीवन में आक्रमण करें. Making your body so weak. आपके शरीर को बहुत कमजोर कर दे. You might be afraid on how I'm going to conquer this. और आप डरते हैं कि मैं कैसे अपने इस रोग पर जय पा पाऊंगा या पाऊंगी. How am I going to do well in life? मैं जीवन में कैसे बेहतर कर सकूंगा या सकूंगी. Will I even live? क्या मैं जीवित रहूंगा भी या नहीं, या क्या मैं जीवित रहूंगी या नहीं. Financial troubles hitting us. और आर्थिक समस्याएं हमें मारती हैं. Sin hitting our lives. आप हमारे जीवन में मारता है हमें. Stopping us from moving forward. और आगे बढ़ने से हमें रोकता है. Can I ever come out of this and shine? क्या मैं इससे कभी बाहर निकलकर रोशन हो पाऊंगा? We say it is better for me to hide. हम कहते हैं कि बेहतर है कि मैं छुपा रहूं. When the disciples, the followers of Jesus, were riding on a boat along with him. एक बार यीशु के चेले जब यीशु के साथ एक नाव में सवार होकर जा रहे थे. There, as Jesus was sleeping on that boat. और जबकि यीशु उस नाव में वहाँ पर सोए हुए थे. As everything was well, suddenly out of nowhere a storm hit the boat. जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही एक तूफान जो है आती है और नाव डगमगाती है. Great winds made the boat violent, made the waves violent. और तेज हवाओं ने लहरों को बहुत ही ज्यादा उग्र कर दिया. It started rocking the boat and the disciples got so afraid. और उसके कारण से जो नाव थी वो डगमगाने लगी और चेले जो थे बहुत डर गए. They started shouting and shrieking. और वो चीख रहे और चिल्लाने लग गए. Oh no, what is going to happen to us? Oh, हमारे साथ क्या होगा? We are going to die. हम मरने जा रहे हैं. We are going to die today. आज हम मरने वाले हैं. Somebody save us. कोई तो हमें बचा लो. Jesus, save us. यीशु हमें बचा लीजिए. Oh Jesus, where are you? Oh यीशु आप कहाँ हैं? So. Such a storm hit them and they were so afraid. तो उनका सामना ऐसी भयंकर आंधी से हुआ और वो सब डर गए. They didn't know what was going to happen to them. नहीं जानते थे उनके साथ क्या होगा. This is the situation when fear comes to us. और ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब भय हम में समा जाता है. We can laugh here, but when life's problems hit us, our future seems so dark. अभी हम हंस सकते हैं, लेकिन जब जीवन की समस्याएं थपेड़े मारती हैं, तो भविष्य अंधकार में लगता है. We don't know if we can live. और हम जानते भी नहीं कि हम जी पाएंगे भी या नहीं. But thank God. लेकिन ईश्वर का धन्यवाद. When the disciples remembered Jesus was in that boat. जब चेलों को स्मरण आया कि यीशु उस नाव पर है. They went and woke him up. उन्होंने जाकर के उसको जगाया. Jesus rose up. यीशु जो थे वो उठ गए. And in one moment, और एक ही पल के भीतर, even though there were violent storms, जो भी वहाँ पर भयंकर तूफान आया हुआ था, he spoke one word saying, "Be still." उसने बस एक शब्द कहा, थम जा. Be still.
शांत हो जा, रुक जा। And every violent storm and wave obeyed him. और वो भयंकर तूफान और लहरें जो थी उन्होंने उसकी आज्ञा मानी। He asked, "Where was your faith, my children?" उसने पूछा, मेरे बच्चों तुम्हारा विश्वास कहाँ था? Today he is asking us the same question. और आज वो हमसे यही प्रश्न कर रहा है। Don't you know that I am in you? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ? Wake me up. मुझे जगाओ। Wake up my presence within you. अपने अंदर में मेरी उस उपस्थिति को जगाओ। Just ask Jesus, will you help me? बस ये कहो, यीशु क्या आप मेरी सहायता करेंगे? Don't you know that I have the power to make everything be still in your life? क्या तुम नहीं जानते मुझमें वो ताकत है तुम्हारे जीवन की हर एक चीजों को मैं शांत कर सकता हूँ? Don't ever forget that, my friends. मेरे मित्रों, आप कदापि इस बात को न भूलें। Know that he is so powerful. जानिए कि वो बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है। And he is within you. और वो आपके अंदर है। So what do we have to do? तो हमें क्या करना है? In the midst of that terrible fear, उस भयंकर भय के मध्य में भी, we have to believe and remember him and ask. हमें विश्वास करना है, उसको स्मरण करना है और उससे मांगना है। So even today, my friend, इसलिए आज भी मेरे प्रिय मित्रों, are you ready to become strong in the Lord? क्या आप प्रभु में मजबूत बनने के लिए तैयार हैं? Shall we call upon him? आइए हम उसे पुकारें। Shall we fight for the Lord? आइए हम प्रभु के लिए लड़ें, संघर्ष करें। Ask him to come and fill your heart. अभी आप उससे कहें कि वो आकर के आपके हृदय को भर दे। Telling him, remove my weaknesses. उससे कहें कि प्रभु मेरी कमजोरियों को दूर कर दे। Lord, remove my fear. प्रभु जी, आप मेरे भय को दूर कर दे। Remove all the fear that is keeping me down. वो सारा भय जो मुझे नीचे रखे हुए है, आप उसे दूर कर दें। Help me rise up, Lord. प्रभु मेरी सहायता कर, मैं उठूं। Wherever you need his touch, जहां कहीं भी आपको उसका स्पर्श चाहिए, ask him right now. अभी उससे आप मांग करें। As the Lord is here, क्योंकि प्रभु यहां पर है, he is beside you, वो आपके बगल में है, waiting to touch you and bless you. आपको छूकर आशीष देने के लिए तैयार है। His presence is filling you. उसकी उपस्थिति आपको भर रही है। He's coming into your heart. वो आपके हृदय में आ रहा है। Oh, he's bringing joy into your heart. वो आपके हृदय में आनंद लेकर आ रहा है। No fear. कोई भय नहीं। He's casting away this fear. वो इस भय को दूर कर रहा है। Oh, the spirit of the Lord does not bring fear. ओ, परमेश्वर की आत्मा भय नहीं लाती है। But it brings power, love and sound mind. लेकिन ये तो सामर्थ, प्रेम और एक शुद्ध मन को हमारे लिए लेकर के आती है। God is casting away every fear that is hindering you in your life. आपके जीवन में रोड़े लाने वाले हर एक भय को प्रभु दूर कर रहा है। He is tired of this fear. वो आपके इन भय से थक चुका है। I see sin bringing fear in many people's lives. मैं देख रहा हूँ अनेकों के जीवन में पाप भय ला रहा है। Not being able to come out as a holy person before people. आप लोगों के सामने एक पवित्र जन के रूप में आकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। Making you hide all the time. वो आपको हमेशा छुपा रहा है। Making you hide in your house. अपने घर में आप छुपे हुए हैं। Not being able to enjoy the relationships with others freely. और दूसरों से आजादी के साथ संबंधों का आनंद नहीं ले पा रहे। Bringing such difficulty in the relationship with your family. आपके परिवार के साथ संबंधों में जो बहुत कठिनाइयां ला रहा है। Yes, God is tired of that sin. हाँ, परमेश्वर उस पाप से थक चुके हैं। Ask him for help right now, my friend. अभी उससे आप सहायता मांगे मेरे मित्र। As God is showing you what sin is troubling you in your life. जब प्रभु आपको दिखा रहा है कौन सा पाप आपको परेशान कर रहा है। Tell him, Lord, I'm throwing it away. Please remove it from me. उससे कहें, प्रभु मैं इसे फेंकता हूँ, आप इसे मुझसे दूर कर दें। I don't want this sin anymore. अब मैं इस पाप को कदापि नहीं चाहता। I don't want this bad habit anymore. अब मैं इस बुरी आदत को नहीं चाहता हूँ। It is blocking me from others. ये मुझे औरों के पास जाने से रोक रहा है। It is blocking me from you, Lord. प्रभु जी, ये आपके बीच में मेरे लिए बाधा है। I'm not able to hear your voice because of this sin. इस पाप के कारण मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। I'm not able to pray or read your word because of sin. इस पाप के कारण न मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ, न वचन पढ़ रहा हूँ। Help me. मेरी सहायता करें। Ask him right now. अभी उससे मांग करें। And the Holy Spirit is coming to strengthen
strengthen you. और पवित्र आत्मा आपको ताकत देने आ रहा है. Coming to fill you. आपको भरने के लिए आ रहा है. For you humble yourself before the Lord. क्योंकि आपने प्रभु के सामने खुद को दीन किया. Come, Holy Spirit, we invite you. आइए पवित्र आत्मा आपका स्वागत है. Into every heart. हर एक हृदय में. Fill. भर दे. Fill. भर दे. Fill. भर दे. Fill every heart. हर एक हृदय को भर दे. We want to taste your joy. हम आपके आनंद का स्वाद चखना चाहते हैं. Peace. शांति का. Come and fill them. आकर के आप उन्हें भर दे. Fill your children, O God. अपने बच्चों को भर दे परमेश्वर. Yes, enter into every heart. हर एक हृदय में प्रवेश करें. Let there be rejoicing. और वहाँ पर आनंद ही आनंद हो. Boldness. ओ वहाँ साहस हो. स्ट्रेंथ. वहाँ पर बल हो. Yes, the Holy Spirit is rising up within your heart. हाँ, आपके हृदय में पवित्र आत्मा उठ रहा है. Open your mouth and thank him. वो खोल करके आप उसका धन्यवाद करें. Thank him for entering into you. आप में आने के लिए धन्यवाद करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you for loving me. मुझे प्रेम करने के लिए धन्यवाद. Thank you for filling me. मुझे भरने के लिए धन्यवाद. I'm carrying you, Lord. प्रभु मैं आपको ले चल रहा हूँ. What a great joy. कैसा महान आनंद. New joy, नया आनंद. New love, नया प्रेम. Oh, he's filling your heart with tremendous love. वो बड़े प्रेम से आपके हृदय को भर रहा है. God is compassionate towards you. परमेश्वर आपके लिए अनुग्रहकारी है. Compassionate towards you. वो आपके लिए अनुग्रहकारी है. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.